नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और यहाँ पे ना बहुत ठंड पड़ रही है। पिछले 3-4 दिन से ऐसे ख़तरनाक वाली लहर चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये होगा तापमान होगा 2-3 डिग्री के आसपास, 4 डिग्री है शाम रात के समय का बोलो, दिन में तो हो जाता है 15-16। और अभी भी लेकिन ठंडी हवा चल रही है। आप ऐसे धूप में बैठे रहोगे ठीक है, बाकी अब बाइक वाइक चलोगे ना भयंकर लगेगी। तो टॉपिक पे आते हैं। तो आज क्या हो रहा है कि ये जो जॉइंडियर है अपना, ये हमने लास्ट टाइम पे गर्मियों पे इसमें से गर्मियों मतलब सीजन वीजन होने के बाद डोजर का पूरा अटैचमेंट निकलवा दिया। फिर उसको ट्रॉली पे यूज़ करा, खेती के काम में भी खूब चलाया। इसमें एक बम्पर लगा दिया, ये बम्पर आया था अपने नोवो में लग के, ओके। और अब इस बम्पर को निकलवा देंगे और जो ब्लेड का सेटअप है वापस करवा देंगे। इस पर रिप्रिंट करवा दे रहे हैं। और हमारी बोनी मशीन जिससे हम बुआई करते हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। आपने देखा था कि एक दिन के वीडियो में मतलब वो चलते चलते ख़राब हो गई, रुक गई थी, दाना फेंकने लगी थी, फिर उस गरारी काम करना बंद कर दिया था। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम आई, तो उनको शॉर्ट आउट करने के लिए हम अभी इनको ठीक करवा ले रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये सारी के सारे जो को लाइन है ना, पूरी की पूरी ना, यहाँ से लेके इसका कंट्रोल वॉल तक हमने निकाल दिया था, वो फिर से लगाना पड़ेगा। और ये लाइटें लगेंगी ऊपर और इसमें ब्लेड लगवा दे रहे हैं वापस से। और ये हमने पूरी ब्लेड जो खोल के रखी थी ना, इसको हम इसके अंदर लगवा दे रहे हैं। ये इसके ट्राली में भर दी है। और ये हमारी बोनी मशीन है जो प्रॉब्लम कर रही थी, इसकी गरारी घूमना बंद कर दी थी। ये पहिया जो है स्लिप मारता था, गरारी घूमती नहीं थी, तो बीज जो है गिरता नहीं था। बाकी मशीन में कोई कमी नहीं है, गियर वगैरह सब नए डलवाए हैं, तो इसको भिजवा दे रहे हैं, ये रिपेयर हो जाएगी। और बाकी फिर ऑयल वगैरह पोत पात के इसको हम रख देंगे। और हमने इंटरचेंज कर दी है बैटरी इसकी, इसमें डाल दी, ये लोड नहीं ले रही थी, ये बढ़िया काम करने लगी और ये तो कर ही रहा है बढ़िया। और ये हमारी 3DX खेतों में फसल हो गई है तो काम जो है थोड़ा मद्दा हो गया, तो रखी हुई है, एक चलती रहती है बस, एक जो है कमी समय देती है। और एक साइड का इसमें ये जो कब्जा है ये भी निकल गया है, इसकी वजह से ये जब चलती है ना तो धड़ आवाज़ करता है, ऐसा लगता है कोई पुरानी सी मशीन चल रही हो। इसको भी बढ़िया रीपेंट करवा देंगे अच्छे से घिसवा के, तो ये अच्छी दिखने लगेगी। इसमें समस्या क्या हो रखी है, जब से ये गियर बदल आए हैं तो इसमें जैसे मैंने कोई नंबर सेट किया तो यहाँ पे गरारी ज़्यादा खुली हुई हैं, यहाँ कम खुली हुई हैं, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसी प्रॉपर नहीं है। और उसके अलावा जो पत्तियों की सेटिंग है ये भी कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है, देखो यहाँ पर कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो ये हमारी मुख्य समस्या थी। इसको हमको शॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए हम भेज दे रहे हैं, अच्छे से समय देंगे और इसको बढ़िया से अगर संभव हुआ तो इसको बदलवा देंगे। और यहाँ पीछे हमारी दूसरी 3DX एक ट्रॉली दिए डस्ट जाना है भर के, तो वो भरेगी।
तो ये दोनों ट्रैक्टर जा रहे हैं यहाँ बालाजी एग्रो, जहाँ पे इसका रीइंस्टॉलेशन होगा और रिपेयरिंग होगी। साइड से देख के निकालना, बहुत बाहर निकल रहा है। और दोस्तों यहाँ इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ हमारे आलू की फसल जो है कितनी बड़ी हो गई है। देखो ये हमने आलू लगाए हैं और सारे आलू निकल आए हैं। अब देखते हैं ये पैदा कितने होते हैं। मात्र इतनी सी जगह है, देखो यहाँ से हमने लगाना शुरू किया था वहाँ तक इतनी सी जगह। एक वो कट्टी लेके गए आए थे, लेकिन चार तगाड़ी आलू लगे थे बस। ये मूली लगा दी है और ये गाजर है, ये इतनी जगह में गाजर है, ये मूली है और यहाँ पे ये धनिया है, मेथी है और मूली है और कुछ टमाटर और भट्टे के पेड़ भी हैं इसमें। तो भाई साहब जनवरी का महीना चल रहा है ये और अच्छी खासी ठंड पड़ रही है और हमारे पास एक बढ़िया सा केस आया है। केस इन द सेंस एक काम आया है, एक खेत में बीच में छोटा सा टुकड़ा है, उसमें बतर नहीं आ रही है। दो महीने हो गए उसमें बतर नहीं आ रही है। तो हम वो खेत देखने गए थे कल, तो वो भैया का कहना है कि यहाँ पे जो है जो पानी है वो पूरे शहर का जो नाला है ना उसका पानी आता है, तो वो खेतों में वही पानी का जो है यूज़ करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ऐसे थोड़े थोड़े उन्होंने उनके ट्रैक्टर वो लेके जाते हैं तो फंस के रह जाता है वो। तो वो कह रहे हैं कि भैया आपका फोर व्हील ले आओ और उसको ऐसे रून दो, मचा दो उसको, तो थोड़ी हवा भर जाएगी तो उसके बाद हम जो है बतर आ जाएगी तो उसको हाँक के उसको बोनी कर देंगे। ठीक है भैया, हमारी वजह से तुम्हारी बोनी हो जाएगी तो अच्छी बात है। तो अपन ले कर चल रहे हैं अपना महिंद्रा अर्जुन नोवो और उसको उनका कल्टीवेटर एक रखा हुआ है, अगर उससे खिंच गया तो ठीक है। वैसे इतनी कीचड़ है, मेरा पाँव दब रहा था उसमें, तो ये तो बैठ जाएगा, मुझे नहीं लगता कल्टीवेटर लगे। तो इसको ऐसे ही ऐसे रून देंगे उसको खेत को अच्छे से, एक डेढ़ घंटा दो घंटा इतनी भी देर चलेगा और सामने वाले का काम हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ खेत की स्थिति, दिखाता हूँ और वहाँ खेत के अंदर इसकी क्या हालत होगी वो भी दिखाता हूँ। तो स्किप मत करना, बने रहना। बहुत सारी जगहों पर ऐसे होते हैं, पूरा खेत सही है, बस वो दो तीन बीघा है बीच में वही ख़राब है, उसमें मिट्टी अजीब है, वो बतर ही नहीं आ रही साहब।
दोस्तों ये खेत है और इसमें देखो कितना गीला है, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब ये पहिए दब रहे हैं, मेरे पैर भी दब रहे हैं। तो ऐसे ही इसको घुमाना है ट्रैक्टर को, जिससे क्या होगा थोड़ी सी ये रुन जाएगी और हवा इसमें निकल जाएगी आसानी से। तो वो भैया है उनका खेत है, हाँ चलाओ, हाँ लगा लो देख लो। चलेगा नहीं लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट का, उठा उठा के लगा लगा के नहीं होगा वो, कोई फायदा नहीं है। ऐसे बनवा लो, अबे वो खाली है, वो क्या है कि मिट्टी खींचने में वो फर्क आ जाता है। मतलब वो ऐसे चला दो पहले, कहते गीला है, एक तो चीप में निकलेंगी तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही चलाओ उसको। तो ये भैया है जिनका खेत है, अब सुनाओ इस खेत की कहानी क्या है, इसमें क्यों बता नहीं आ रही हो रहा। इसका क्या होगा, अगल बगल की जमीनों का पानी रिस रिस के इसमें आता है, हाँ तो इसमें बतर आने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा तो बगल के खेत में इधर तो आ तो गई ना चारों तरफ, इसमें क्यों नहीं आई है? नहीं इस साइड जो ढोंग दिख रही है ना, ये इधर पे पानी चलता है ना, बगल में नली खुदी है, इसके कारण इसमें बतर नहीं आती। अच्छा ऐसा करने से बतर आ जाएगी, ऐसा करके देखा मचा के इसको बोते हैं। अच्छा खुचने के लिए टू व्हील, तो इसलिए फोर व्हील इनका मंगवाया दोनों भैया। चलो बढ़िया, अब देखते हैं। ये पहले करके देखा था, ये बगल में इतनी जगह दिख रही है, इसमें कर ली मोनी ने, यहाँ कर ली है, नीचे भी यही हालत है ना। इसमें क्या फोर व्हील चलने से जल्दी बता रहा है, ऐसे टू व्हील से देर में आती। अच्छा चलो ठीक है, ये चल रहा है ट्रैक्टर। टू व्हील में ही चल रहा था वो, फोर व्हील लगाने की जरूरत नहीं। दोस्तों देख रहे हो इसमें क्या हुआ, ऐसे ये रुंध गया खेत, ऐसा करने से अब इसमें जल्दी बतर आ जाएगी। तो ये दो गड़े हैं, एक वो भी है एक ये भी है, तो इसको मचा दिया है, हवा लग जाएगी, नीचे जो कीचड़ टाइप की थी वो ऊपर आ जाएगी। और ये फोर व्हील है इसलिए चले यार, टू व्हील जाते हैं तो फंस जाते हैं इसमें। दोस्तों देखा ये वाली जो गड़ा था इसको तो कर दिया है, और बहुत कीचड़ निकल रही है, मतलब शहर का जो नाले में सब आता है ना वो निकल रहा पूरा। और इस तरफ वाले में है थोड़ा, हम भी चला के देखते हैं क्या अनुभव है और फिर आपको बताते हैं। लगा हुआ है गियर, ये फोर व्हील लगा के चला रहे हैं क्योंकि कीचड़ जो है ज़्यादा है, अब इसमें तो कम है, उस वाले में तो बहुत ज़्यादा थी। ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है, इतनी जगह में चलाया मज़ा आ गया। आसपास की सारी ज़मीन वो आ गई, ये भी वो आ गई, तो
थोड़ा सा ये भी बो दिया इतनी जो कह रही है ना। अब ये बता रहा जाएगी 8-1 दिन में तो इसमें बोएंगे चना। नीचे भी यहाँ पे उन्होंने चना बोया, अभी मैंने पूछा था। गीला देखो यार कितना गीला है, ऐसा बरसात में होता है ऐसा गीला। ऊपर पानी देते हैं तो रिस रिस के इसमें आ जाता है। तो दोस्तों देख रहे हो आप, ऐसा कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। और ये रखा है इनका कल्टीवेटर, तो थोड़ी जगह जो इन्होंने पहले से ठीक कर ली थी उसमें ये लगा देंगे। तो कल्टीवेटर लगाने से ही हो रहा है, धुआंधा बन रहा है, बड़े बड़े डिल्ले। ये तो और देर से सूखेंगे, डिल्ले बन रहे हैं बड़े 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 डिल्ले बन रहे हैं। इसे क्रॉस में करवाओ, क्रॉस में बोल लो। ये सारी मेहनत की जा रही है खेत को सुखाने के लिए। देखो अब ये चीप ऐसी कट गई है। दोस्तों ट्रैक्टर यहाँ पे चल रहा है और हम जा रहे हैं वापस यार्ड की तरफ। और आधा घंटा और चलेगा ये, 1.5 घंटे में पूरा काम ही ख़त्म कर दिया उसने। और ये बतर जो है ऐसे तो नहीं आने वाली थी, लेकिन अब जो है 4-5 दिन में बतर आ जाएगी और इसकी घराई करके चने बो देंगे। जैसे ये वाला जो खेत है सेम कंडीशन में था, और इसको भी जैसे तैसे करके। ये भाई का मेरे पास फ़ोन आ रहा था पिछले 2 महीने से, मैं इसको मना कर रहा था यार ये भी कोई काम है, मतलब मैं मजाक में ले रहा था कि शायद ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरी हुई वीडियो में। जय श्री राम।